लालटेन वाला मुजरा करता है। बताओ ऐसी भाषा किसी प्रधानमंत्री को बोलनी चाहिए क्या? कितनी घटिया भाषा है। यहाँ के सांसद जो है, लालू जी ने इतना बढ़ाया, उनको सब कुछ दिया और आज लालू जी को ही गाली दे रहे हैं, हम लोगों को गाली दे रहे हैं। लालू जी को जेल भिजवाना चाहते हैं, तेजस्वी को जेल भिजवाना चाहते हैं, इसका हिसाब लोगे कि नहीं लोगे? हम मोदी जी को कहना चाहते हैं, ये दिल्ली और झारखंड नहीं बिहार है, एक बार हाथ लगा करके दिखाओ। जब मंडल चला था तो मंडल विरोधी आरक्षण विरोधी यात्रा में अपने गुरु अडवाणी जी के सारथी बने हुए थे, आरक्षण का विरोध कर रहे थे, और यहाँ बिहार आकर के बोलते कि लालटेन वाला पिछड़ों का, गरीबों का, दलितों का आरक्षण छीन लेगा। कल चाचा जी बोल दिए नरेंद्र मोदी जी, उनकी इच्छा कि नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री बन जाए। कभी ना कभी तो अंदर की बात सामने आ ही ना जाती है, तो मिजाज बन टनाटन। हम मिजाज रखिए टनाटन टनाटन टनाटन। नौकरी मिलेगा फटाफट फटाफट फटाफट। गरीब दीदी के खाता में 1 लाख जाए खटाखट खटाखट खटाखट। अब भाजपा के हो जाए सपाचट सपाचट सपाचट। और लालटेन पर वोट गिरी ठकाठक ठकाठक ठकाठक। देखिए मीसा दीदी यहाँ से चुनाव लड़ रही है, आप सब लोगों से अपील है कि लालटेन पर बटन दबा करके इनको भारी बहुमत से जिताएं और लालू जी राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करने का काम करें। ज्यादा समय हम नहीं लेंगे, हम तो आपके बीच आते रहते हैं, अपनी बात को रखते हैं, लेकिन 17 महीने में हम लोगों ने जो काम किया वो 17 साल में भी नहीं हुआ। 5 लाख लोगों को, नौजवानों को सरकारी नौकरी दिया गया, 3 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन करा दिया गया, समझो 8 लाख हो जाता, वरना चाचा जी ने पलटते तो वो चाचा जी पलट गए। अब पलट गए कि भाजपा वाला हाईजैक कर लिया, वो तो बुजुर्ग है भाई, हमारा तो पूरा सम्मान है अपने चाचा के प्रति, बुजुर्ग है, अभिभावक है, यही कामना है कि जहां भी रहे सुखी रहे स्वस्थ रहे। लेकिन चाचा ने कहा था जो 14 में आए हैं वो 24 में जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है, भले ही चाचा जी का शरीर वहां है लेकिन मनवा यही जाए। कल चाचा जी बोल दिए नरेंद्र मोदी जी, उनकी इच्छा कि नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री बन जाए। कभी ना कभी तो अंदर की बात सामने आ ही ना जाती है। बनारस में नामांकन हुआ, वो हुजा नहीं गए, मोदी जी के नामांकन में नहीं गए, चाचा जी बीमार हो गए थे। अरे बूझे वाला बूझा था कि सोना आकर पीता रहा, सब समझने वाले समझते हैं, तो हमारा तो पूरा सम्मान रहेगा। लेकिन आप देखिए, हम लोगों ने 17 महीने में आप लोगों से वादा किया था जाति आधारित गन्ना कराएंगे, हम लोगों ने कराया, और नरेंद्र मोदी जी मना कर दिए थे जब हम मिलने गए थे, तो 1 घंटा हमारी बात हुई, पूरा बिहार का डेलीगेशन, हर पार्टी का डेलीगेशन गया था, उनका ये मंसूबा था कि अगर भाई जाति आधारित गन्ना हो जाए तो आरक्षण को बढ़ाना पड़ेगा। हम लोगों ने बिहार में 75% आरक्षण को बढ़ाया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के धमनी में भी आरक्षण का वो विरोध करते हैं, वो लोग नहीं चाहते। सॉलिटेयर जनरल तुषार मेहता को खड़ा कर दिया गया था जब हम लोग कास्ट पे सर्वे करा रहे थे सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ, ये आरक्षण विरोधी लोग हैं। जब मंडल चला था तो मंडल विरोधी आरक्षण विरोधी यात्रा में अपने गुरु अडवाणी जी के सारथी बने हुए थे, आरक्षण का विरोध कर रहे थे, और यहाँ बिहार आकर के बोलते कि लालटेन वाला पिछड़ों का,
गरीबों का दलितों का आरक्षण छीन लेगा अति पिछड़ों का। अरे लालू जी ने तो गरीबों का आवाज दिया, मंडल कमीशन लागू कराया, किया कि नहीं किया? सबसे पहले हमारे कर्पूरी जी ने आरक्षण की सीमा को बढ़ाया था, सबको आरक्षण दिया, पिछड़ेपन को देखते हुए जो मंडल कमीशन की सिफारिशें थी उनको हम लोगों ने दिया। लेकिन मोदी जी आप बिहार आकर के केवल झूठ बोलते हैं, केवल झूठ बोलते हैं। लेकिन इस बार बिहार की जनता झूठ का बदला लेगी। आप जो नफरत फैलाते हो, हिंदू मुसलमान की बात करते हो, इसका हिसाब बिहार की जनता, पालीगंज की जनता लेगी। बताओ पालीगंज की जनता, 10 साल प्रधानमंत्री रहे वो, 10 साल से सांसद उनका, 17 साल से राज्य में सरकार उनका, अगर 17 महीने हमारा हटा लो तो बताओ पालीगंज को उन लोगों ने क्या किया? मोदी जी ने एक काम बताओ जो पालीगंज के लिए किया हो मोदी जी का। वो काम की बात नहीं कर सकते, वो केवल बकवास कर सकते हैं। क्या बकवास कर रहे बिहार के? उनको हिसाब देना था 10 साल बिहार के लिए क्या किया, देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था? लेकिन उन्होंने हिसाब नहीं दिया, उन्होंने 5 साल बताना चाहिए कि वो 5 साल बिहार के लिए क्या करेंगे, लेकिन उसका भी कोई जिक्र नहीं किया। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा बेरोजगारी का है, गरीबी का है, महंगाई का है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री गरीबी का गा नहीं बोलते, महंगाई का मां नहीं बोलते, बेरोजगारी का बा नहीं बोलते। यहाँ आकर के क्या बोलते हैं? मटन, मछली, मंदिर, मस्जिद। अब बोलते हैं लालटेन वाला मुजरा करता है। बताओ ऐसी भाषा किसी प्रधानमंत्री को बोलनी चाहिए क्या? कितनी घटिया भाषा है ये, प्रधानमंत्री के गरिमा को गिराने वाली बात है कि नहीं है? कौन ऐसी भाषा बोलता है कि मुजरा कर रहा है, मुजरा कर रहा है? अरे भैया आप क्या काम के ही बताओ, और यहाँ आकर के क्या बोले प्रधानमंत्री जी? ए बिहार के लोग सुनो, नए नौजवान, प्रधानमंत्री जी आके बोलते कि तेजस्वी को जेल भेजेंगे, हमको बोले कि जेल भेज देंगे। हम बोलना चाहते हैं हमने नौकरी दी इसलिए जेल भेजोगे? हम गरीब की बात कर रहे, आरक्षण की बात कर रहे, तो हमको गरीब, हमको जेल भेजोगे? हम संविधान, लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे, भाईचारे बचाने की बात कर रहे, तो जेल भेजोगे? ये तानाशाही और इस बार उनका जो घमंड है, बिहार की जनता तोड़ने का काम करेगी। जिसको मन उसको जेल भेजो, कहते हैं राहुल जी को जेल भेज देंगे, हमको जेल भेज देंगे, हेमंत सोरेन जी को जेल भेज दिया, केजरीवाल जी को जेल भेज दिया। हम मोदी जी को कहना चाहते हैं ये दिल्ली और झारखंड नहीं बिहार है, एक बार हाथ लगा करके दिखाओ। अरे लालू जी नहीं डरे मोदी जी से, तो लालू जी का बेटा डरा जाएगा। अरे बिहारी लोग डराएगा गुजराती से? अरे खुल के बोलो, डरोगे? लड़ाई लड़ना है कि नहीं? और लड़ेंगे या जीतेंगे? और मोदी जी का तो बाय बाय हो गया, अरे विदाई हो गया कि नहीं हो गया? तो ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, एकजुट रहिएगा। और तो हम कुछ कहना नहीं चाहते, यहाँ के सांसद जो है लालू जी ने इतना बढ़ाया, उनको सब कुछ दिया, और आज लालू जी को ही गाली दे रहे हैं, हम लोगों को गाली दे रहे हैं। लालू जी को जेल भिजवाना चाहते हैं, तेजस्वी को जेल भिजवाना चाहते हैं, इसका हिसाब लोगे कि नहीं लोगे? दोनों हाथ ऊपर करके बताइए, लोगे कि नहीं लोगे? तो हम लोगों की सरकार बनने जा रही है, और जब सरकार बनेगी तो मुझे पूरा विश्वास है हमारी सरकार बिहार पर विशेष ध्यान देगी। और जो आप लोगों का पिछड़ापन है, जो गरीबी है, उसको दूर करेगी,
और मुख्य राज्यों में लाने का 100% प्रयास करेगी और हम लोग विकसित राज्य आएं बनने वाले हैं। इसलिए आप सब लोग जो है एक एक वोट लालटेन पर बटन दबा करके भारी बहुमत से जिताएं। तो चुपचाप 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 अब देखो बैठ के बोल रहे हैं, 230 से ज्यादा सभा कर लिए। हम डॉक्टर साहब को बोले कि बेड रेस्ट हम तब तक नहीं करेंगे जब तक नरेंद्र मोदी जी को बेड रेस्ट नहीं करा देते। तो ज्यादा समय नहीं है, भाजपा भगाओ। अरे आवाज आना चाहिए पीछे से, भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, पाली की जनता जिंदाबाद। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।